मुंबई को हराकर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता एक और मुकाबला, मुंबई को मुंबई में हराया, रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2023 के आज के महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे इस मुकाबले का कि किस प्रकार से अजिंक्य रहाणे की तूफानी बल्लेबाजी से चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को जीता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप भी चेन्नई सुपर किंग्स की इस धमाकेदार जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही, यानी कि सबसे पहले बात करते हैं आज के मुकाबले की टॉस की। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। टॉस जीतकर एमएस धोनी ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया मुंबई इंडियंस की टीम को। दोनों टीमों की बात करें तो काफ़ी बड़े चेंजेस के साथ दोनों टीमें मैदान पर उतरी थी, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में 4 बदलाव किए थे तो मुंबई इंडियंस ने भी बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद इस घमासान मुकाबले की शुरुआत हुई तो यहाँ पर कमाल की शुरुआत रही मुंबई इंडियंस के लिए, जब पहले ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से बेहतरीन शॉट देखने को मिला और उन्होंने बेहतरीन चौका बटोरा एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार से। तो वहीं पर पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका रोहित शर्मा ने लगाया और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से काफी शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट तुषार देश पांडे की गेंद पर लगाया और एक और बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के पार से चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों, सीएसके की तरफ से तीसरा ओवर डालने आए मंगाला की पहली ही गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला। ईशान किशन ने इस चौके के साथ ही अपने चौकों का आगाज किया। तो वहीं पर मंगाला के इसी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया मिड ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ से। यह चौका भी काफी शानदार था और दर्शनीय चौका लगाया, लेकिन चौकों का यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। मंगाला की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा। एक पुल शॉट खेलते हुए उन्होंने काफी शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों, यहां पर चौथा ओवर डालने आए तुषार देश पांडे की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, यहां पर टीम की वापसी कराई तुषार देश पांडे ने और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक घातक गेंद डालते हुए रोहित शर्मा को बोल्ड करके पेवलियन भेजा। रोहित शर्मा काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस गेंद ने उन्हें पूरी तरह से चकमा दे दिया और तुषार देश पांडे ने चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ी सफलता दिला दी। रोहित शर्मा 13 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेवलियन लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कैमरून ग्रीन ने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल सेंटनर के बेहतरीन चौका लगाया। यह चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से था और काफ़ी शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों, ईशान किशन ने मंगाला के ओवर में एक बार फिर 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और मुंबई इंडियंस का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया और पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना चुकी थी मुंबई इंडियंस। लेकिन इसके बाद 7वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर ईशान किशन को पेवलियन भेजा। ईशान किशन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ड्वेन पीटर्स को अपना केस थमा बैठे और 21 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद क्रीज पर उतरे सूर्य कुमार यादव, लेकिन दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का एक बेहतरीन कैच विकेट के पीछे महेंद्र सिंह धोनी ने लिया, लेकिन अंपायर ने सूर्य को आउट नहीं दिया था। लेकिन धोनी रिव्यू सिस्टम के सामने अंपायर की भी ना चली, क्योंकि यहां पर महेंद्र सिंह धोनी सही थे, बल्ले का किनारा जरूर लगा था और यहां पर एक और सफलता मिली चेन्नई सुपर किंग्स को। और यह सफलता बड़ी थी क्योंकि सूर्य कुमार यादव का विकेट था। सूर्य 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर पेवलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों, 8वें ओवर की ही 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने चौका लगाया, लेकिन 9वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा की गेंद पर कैमरून ग्रीन ने एक शानदार शॉट सामने की तरफ खेला, लेकिन रविंद्र जडेजा का एक बेहतरीन कैच उन्हें पेवलियन भेजने के लिए कामयाब रहा। अगर रविंद्र जडेजा ना होते तो शायद अंपायर को आज गेंद लगती, लेकिन एक अद्भुत कैच ने यहां पर अंपायर को भी बचाया और चेन्नई को एक बड़ी सफलता दिलाई। कैमरून ग्रीन 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर अरशद खान भी चलते बने। अरशद खान आज के इस मुकाबले में ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर LBW आउट हुए। उन्हें मिचेल सेंटनर ने पेवलियन भेजा। इसके
बाद दोस्तों अब सारी जिम्मेदारी तिलक वर्मा के ऊपर आ चुकी थी। इसी बीच तिलक वर्मा ने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। यह चौका काफ़ी शानदार था, जहां पर उन्होंने कट शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौका बटोरा। इसके बाद एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी ने स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन यहाँ पर इसी बीच 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद को बेहतरीन तरीके से शॉट खेलते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्का बटोरा तिलक वर्मा ने। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर रविंद्र जडेजा की शानदार वापसी रही और यहां पर सबसे बड़ी मछली को उन्होंने फंसा लिया। तिलक वर्मा को LBW आउट करके पेवलियन भेजा रविंद्र जडेजा ने। तिलक ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो बच नहीं पाए और 18 गेंदों पर 22 रन बनाकर वो भी चलते बने हुए मुंबई की सबसे बड़ी उम्मीद आउट होकर चले गए। वहीं पर इसके साथ ही रविंद्र जडेजा ने 4 ओवर में मात्र 20 रन खर्च करके 3 सफलताएँ भी प्राप्त कर ली। इसके बाद 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर मंगाला की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजना चाहते थे ट्रिस्टन स्टेप्स, लेकिन इसी बीच आ गए। यहां पर बीच में बेहतरीन तरीके से प्रोटोरेस ने कैच पकड़ा, लेकिन वो बाउंड्री पर गिरते हुए नजर आए तो उन्होंने पास ही खड़े ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ गेंद को फेंक दिया और दोनों ने शानदार कैच लिया। ट्रिस्टन स्टेप्स भी 5 रन बनाकर आउट हो गए और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर टिम डेविड के बल्ले से बेहतरीन छक्का देखने को मिला। उन्होंने काफी शानदार तरीके से साइड स्क्रीन के ऊपर यह छक्का जड़ा। इसके बाद इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब टिम डेविड पूरी तरह से रंग में आ चुके थे, क्योंकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ओवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ से एक और शानदार छक्का बटोर लिया। अब इस ओवर की 3 गेंदों पर वो 2 छक्के और 1 चौका जड़ चुके थे, लेकिन तभी एक और बड़ा शॉट वो खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बीच में आ गए अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने काफ़ी शानदार कैच पकड़ा और पेवलियन भेजा टिम डेविड को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। और टिम डेविड इस मुकाबले में 22 गेंदों पर 31 रन बनाकर तुषार देशपांडे का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर तक मुकाबले को लेकर गए पीयूष चावला और ऋतिक शौकीन। तो वहीं पर आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ऋतिक शौकीन ने एक बेहतरीन चौका थर्ड मैन के ऊपर से लगाया। यहाँ पर मंगला के ऊपर से गेंद गई और चौका मिला, जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाया। यहाँ पर भी कहीं और मारना चाहते थे गेंद, लेकिन गई विकेट के पीछे और चौका मिला ऋतिक शौकीन को। जबकि दोस्तों 5वीं गेंद, जो कि एक लॉन्ग फुलटॉस गेंद थी, इसको यहाँ पर शानदार तरीके से बाउंड्री के पार भेजा ऋतिक शौकीन ने और आखिरी ओवर में उन्होंने 3 चौके बटोरे और चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 157 रनों का स्कोर खड़ा किया मुंबई इंडियंस की टीम ने। वहीं पर इस 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर डेविन कॉनवे के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पहला विकेट गंवा दिया। डेविन कॉनवे इस मुकाबले में जेसन बहरन ड्रॉप का शिकार बने और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि 4 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही आउट हो गए। लेकिन इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे अजिंक्य रहाणे ने पारी की शुरुआत एक बाई के चौके के साथ की पहले ओवर की आखिरी गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपने बल्ले से तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बहरन ड्रॉप की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया और इस छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक बार फिर चौथा ओवर डालने आए अरशद खान की पहली ही गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने शानदार छक्का जड़ा और ये उनकी पारी का दूसरा छक्का था। लेकिन इसके बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका बटोरा। ये चौका काफ़ी शानदार था, क्योंकि एक शानदार कट के जरिए उनके बल्ले से निकला था। लेकिन इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका अरशद खान की गेंद पर लगाया। यह चौका भी देखने लायक था, क्योंकि इस बार उन्होंने गेंद को बिल्कुल सहलाया था और चौका बटोरा। इसके बाद चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। अजिंक्य रहाणे यहां पर तो कमाल ही कर रहे थे, क्योंकि एक और कट शॉट के जरिए उन्होंने चौका बटोरा। जबकि दोस्तों चौकों का यह सिलसिला 5वीं गेंद पर भी जारी रहा, जहां पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बटोरे अजिंक्य रहाणे ने, जहाँ पर उन्होंने 4 चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठा ओवर डालने आए पीयूष चावला के ओवर में भी उनके बल्ले से बेहतरीन चौका देखने को मिला और वो अब पहुँच चुके थे 18 गेंदों पर 48 रनों पर। वहीं पर इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 19 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और IPL 2023 का ये सबसे तेज अर्धशतक था। अजिंक्य रहाणे को इस तरह से बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी लंबे समय के बाद देखते हुए
अच्छा लगा क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर अजिंक्य रहाणे ने 8वें ओवर की 4थी गेंद पर पीयूष चावला की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और डीप मिड विकेट की तरफ से एक और चौका बटोरा। लेकिन दोस्तों इसके बाद अजिंक्य रहाणे 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो गलती कर बैठे और गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और वहाँ पर खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। सूर्या ने बेहतरीन कैच लिया और अजिंक्य रहाणे 27 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेवलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद यहां पर क्रीज पर उतरे शिवम दुबे, तो शिवम दुबे ने भी 10वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला के शानदार चौका लगाया लॉन्ग ऑन की तरफ और एक शानदार चौका बटोरा। इसके बाद यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन उन्होंने भी 10वें ओवर की 4थी गेंद पर शानदार चौका लगाया। इस बार उन्होंने भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौका बटोरा। काफ़ी लंबे समय के बाद चौका आया, या यूँ कहें तो ऋतुराज गायकवाड़ की इस पारी का ये पहला चौका था। इसके बाद ऋतिक शौकीन क्या 12वां और डालने आए तो उनकी 4थी गेंद पर एक और शानदार चौका बटोरा यहां पर शिवम दुबे ने। इन्होंने भी शानदार शॉट खेला और चौका बटोर लिया। इसके बाद शिवम दुबे ने एक और बेहतरीन ओवर डालने आए ऋतिक शौकीन यानी कि 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया। ओवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का था और यह छक्का इनके बल्ले से 93 मीटर का निकला। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतिक शौकीन के एक और चौका ऋतुराज गायकवाड़ ने। लेकिन इसके बाद यहां पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुमार कार्तिकेय ने एक और सफलता मुंबई इंडियंस को दिलाई और यहां पर बोल्ड करके पेवलियन भेजा शिवम दुबे को। शिवम दुबे 26 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने कुमार कार्तिकेय के एक फुलटॉस गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ बेहतरीन छक्का लगाया और ये उनकी इस पारी का पहला छक्का था जो कि काफ़ी शानदार तरीके से लो फुलटॉस गेंद पर लगाया था। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर अंबाती रायडू ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए जेसन बेरनड्रॉप की लो फुलटॉस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उनके बल्ले से भी एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, जबकि इसकी अगली ही गेंद पर बल्ले का किनारा लेकर एक और चौका यहां पर थर्ड मैन की तरफ गया और यहां पर एक और चौका मिला और इसी के साथ यहां पर चेन्नई की जीत और भी नज़दीक पहुँच गई। वहीं पर अब ऋतुराज गायकवाड़ और अंबाती रायडू मुकाबले को फिनिश करने की तरफ आ चुके थे, लेकिन सभी को उम्मीद थी कि एक भी विकेट और गिरा तो यहां पर महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे और फैंस को इसी का इंतजार था क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी पूरी तैयारी कर चुके थे मैदान में उतरने की। लेकिन तभी यहाँ पर 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर अंबाती रायडू ने शानदार चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में जीत दिला दी और चेन्नई ने यह मुकाबला शानदार तरीके से 11 गेंदे शेष रहते हुए एक तरफा जीत लिया। चेन्नई की इस शानदार जीत के साथ ही अब उनके आईपीएल 2023 में 2 जीत हो चुकी है, जबकि मुंबई इंडियंस 2 में से 2 मुकाबले हार चुकी हैं। लेकिन दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स इस जीत का आपको सबसे बड़ा हीरो कौन सा खिलाड़ी लगा, आप में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।